हेलो एवरीवन, कैबिनेट डिवीजन में 162 के करीब जॉब्स का ऐलान हुआ है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तलीम प्राइमरी से लेके मास्टर के दरमियान कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनजेपी पोर्टल से भी अप्लाई हो सकता है और आप फॉर्म भी फिल करके भेज सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें। वैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह ये है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसमें जो अहम पोस्टें हैं, असिस्टेंट एलडीसी, स्टेनो, यूडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, इसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर, नैब का, इसके अलावा भी पोस्टें हैं, वो कम हैं, लेकिन जो मेन ज़्यादा थी वो हमने यहाँ पे शो कर दी। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको साथ इंशाल्लाह सिलेबस, पेपर, पैटर्न, तैयारी के लिए बुक्स वगैरह भी बताते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एंड पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है कैबिनेट डिवीजन जॉब्स एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करके अप्लाई, एप्लीकेशन, हर चीज़ यहाँ से इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट का बात कर लें, क्योंकि ये पोस्टें असिस्टेंट एलडीसी, स्टेनो वगैरह की ज़्यादा हैं, तो हम इसलिए इन्हीं पे फोकस कर लेते हैं। बाकी भी सिलेबस इसी से मिलता जुलता है। सबसे पहले हम असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। आप वेबसाइट पे आके इधर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से वो शो हो जाएगा। आमतौर पे ये जो भी एनजीपी के थ्रू या ये मिनिस्ट्रियों के पेपर होते हैं, उनका यही पेपर पैटर्न होता है। इसमें आमतौर पे 50 एमसीक्यूज होते हैं, बाद में 100 भी होता है, लेकिन आमतौर पे 50 होते हैं और 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। एमसीक्यूज बेस्ड ही पेपर होता है। इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस, करंट अफेयर भी शामिल होते हैं, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जॉब रिलेटेड जो भी पोस्ट हो उसी के रिलेटेड, जैसा कि असिस्टेंट, तो यकीनन इसके रिलेटेड कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आएंगे। और बाज दफ़ा असिस्टेंट के रिलेटेड जो है वो भी आते हैं, मिनिस्ट्रियल जो उसका सिस्टम होता है, कैबिनेट के हवाले से, सेक्रेटेरिएट के जो रूल्स हैं उस हवाले से जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं। तो इस तरह से इसका सिलेबस, यानी कि आप ऐसा समझो ये 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 10 क्वेश्चन होंगे। अगर 20 क्वेश्चन हुए तो 20 20 क्वेश्चन, और सॉरी 100 क्वेश्चन हुआ, अगर 50 नंबर का हुआ तो 10 10 क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का हुआ तो 20 20 क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी की। और ये सिलेबस तमाम पोस्टों के लिए ऐसा ही है, जैसे कि एलडीसी है तो उसका भी यही होगा, यूडीसी, स्टेनो, असिस्टेंट जो भी है तकरीबन उनका इसी तरह का ही होगा पेपर। अगर कोई टेक्निकल पोस्ट होगी तो उसका यकीनन टेक्निकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब हम तैयारी की बात कर लेते हैं, तो हमने तमाम लिंक्स दे दी हैं, जैसा कि ये इंग्लिश जनरल और इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, तो आपको इंग्लिश जनरल और इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी सारे यहाँ से मिल जाएंगे। कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथ वगैरह के, आईक्यू के भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, थोड़ी बहुत वो भी देख लें। इसके अलावा गेस्ट पेपर, ये मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पेपरों में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर, एनजीपी के पास्ट पेपर जो प्रीवियस हो चुके हैं मोस्टली जॉब्स के, वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। एनजीपी के जो थ्रू जॉब्स आती हैं वो आमतौर पर डिपार्टमेंट खुद ही टेस्ट लेता है, तो इसलिए हमने जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनका लिंक भी यहाँ पे दे दिया, वो भी ले सकते हैं। अब आपसे एक हम्बर रिक्वेस्ट, हमने देखो आपकी हेल्प के लिए, ये यूट्यूब से कोई खास पैसा नहीं आता, वो जो ब्लॉगर्स उनके बड़े व्यूज़ होते हैं, यहाँ पे 1,000 2,000 व्यूज़ पे कुछ खास पैसे नहीं होते, जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए ये हम यूट्यूब चला रहे हैं। तो अब आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आपके पेपर में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में दूसरे भाइयों का फ़ायदा हो सके। ये चैनल खिदमत खलक के तहत चलाया जा रहा है, वरना लॉसेज में ही सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल पाकिस्तान में बंद हो गए जो स्टडी रिलेटेड। अब इसी तरह अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, यूडीसी की असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें आईटी और दूसरा था, तो यकीनन उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा स्टाफ का, ड्राइवर, नैब का सर, अब इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा सीटें, इनका क्या होता है, नैब का कार जो भी दर्जा 4 होता है, जैसे नैब का स्टाफ का 4 स्केल से 1 स्केल के दरमियान का एक जैसा ही होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नैब का जो है टेस्ट नहीं होता, जो आम रूटीन होती है, स्केल 5 से या 6 से, आमतौर पे 5 स्केल से लेके ऊपर टेस्ट स्टार्ट होते हैं, 5 और इससे ऊपर वालों के, इससे नीचे वालों का सिर्फ इंटरव्यू होता है, तो इसका इंटरव्यू ही होगा, टेस्ट नहीं होगा। इसके इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमने डिटेल लिख दिए, उर्दू में ही लिख दिए, ताकि आप इसको पढ़ सकें, तो आप यहाँ से वेबसाइट से जाके इनको अच्छे से पढ़ लें। और इसकी तैयारी के लिए भी हमने सब चीज़ें दी हुई, इसी तरह जो है स्टाफ का, ड्राइवर या दूसरे, उनका भी यही है तरीक़ाकार, तो आप वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, वेबसाइट नाम testpoint.pk। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा।